वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज मोहम्मद मोहसिन फ्रॉम सुफिजली मार्केटिंग एंड नाउ वी विल बी लर्निंग सोशल मीडिया मार्केटिंग। बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग के 5 कोर पिलर्स होते हैं। वेन एवर यू आर गोइंग टू लॉन्च योर प्रोडक्ट, योर ब्रांड, योर सर्विस, आप इन 5 कोर पिलर्स को एक बार एंगेज करके देखना है कि वेदर यू आर एंगेजिंग देम ऑन द राइट एस्पेक्ट, आप उन्हें सही प्रॉपरली टाइम दे रहे हैं और उन्हें जो उनके ऊपर ड्यू है आप उन्हें फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेट्स गो थ्रू देम वन बाई वन। फर्स्ट वन इज स्ट्रेटजी, प्लानिंग एंड पब्लिशिंग, लिस्टिंग एंड एंगेजमेंट विद योर कस्टमर्स, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग देम एंड एडवर्टाइजिंग अपॉन योर सोशल मीडिया मार्केटिंग चैनल्स। नाउ लेट्स गो थ्रू देम वन बाई वन। व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेटजी, यू नीड टू नो व्हाट आर योर गोल्स, आप करना क्या चाहते हैं, वेदर यू वॉन्ट एंगेजमेंट, यू वॉन्ट मोर पीपल टू लाइक योर चैनल, यू वॉन्ट मोर पीपल टू फॉलो यू, यू वॉन्ट पीपल टू बाई योर प्रोडक्ट ऑनलाइन, आपका एंड गोल क्या है। अपना पहले एंड गोल सोचते हैं, फिर उसके लिए आप अपनी स्ट्रेटजी को क्रिएट करते हैं। सेकेंडली इज़ कि आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को समझते हैं कि आपका सोशल मीडिया जो चैनल है किस ऑडियंस के लिए बनाया गया है, आपका ब्रांड क्या है, आप किस जगह पर उस चीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर आपका प्रोडक्ट जो है यंग ऑडियंस के लिए है तो आप उसे ऐसी जगह पे प्रमोट नहीं करेंगे जहाँ पे आपकी यंग ऑडियंस मौजूद नहीं है, जैसे कोई आपका सोशल मीडिया चैनल है। अगर आपकी ऑडियंस जो है एज्ड है या फिर मैच्योर है तो आप उसे मैच्योर सोशल मीडिया चैनल पे प्रमोट करेंगे, वाले से ऐसे चैनल पे जहाँ पे आपकी ऑडियंस मौजूद नहीं है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपकी ऑडियंस कहाँ पे है, कौन है, आप उस तक कैसे पहुँच सकते हैं। नाउ वी हैव अंडरस्टूड दिस, हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हम किस तरह कंटेंट बना रहे हैं। तमाम ऑडियंस को आप सेम कैटर नहीं कर सकते एक ही तरह के कंटेंट के साथ, आपको अपना कंटेंट जो है टेलर करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस लाइक्स एंड डिसलाइक्स। उसके तरह आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, उनकी जहाँ सोचते हैं उन तक पहुँचाते हैं अपना पैगाम, ताकि वो आपको पसंद करें, आपके फैंस बने हो, आपको फॉलो करते हुए आपकी सर्विस को बाय करें, आपके प्रोडक्ट्स को समझें और उसे गेन करें, फ़ायदा उठाएँ। सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड स्ट्रेटजी, लेट्स गो इनटू प्लानिंग एंड पब्लिशिंग। लाइक शेरन पार्कर सेड वंस कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी ऑडियंस के लिए क्या चीज़ है। नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड योर स्ट्रेटजी फॉर इट, आपने जो कंटेंट बनाना है और उसे जिस तरह प्लान करना है और किस तरह पब्लिश करना है, नाउ दैट वे कम्स टू योर स्ट्रेटजी। आपने समझना है कि आपकी ऑडियंस को क्या चीज़ चाहिए, कब चाहिए, उनके क्या ख्वाहिशात हैं, उन्हें क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ पसंद नहीं है, उन्हें कहते कहते हुए आपने अपने कंटेंट को प्लान करना है कि मैंने फ़लाँ तारीख को फ़लाँ टाइम पर ये चीज़ पोस्ट करूँगी तो इस पर इतनी इंगेजमेंट में मिल सकती है। तो ये प्लान जो है उतना ही इंपॉर्टेंट जितना इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्ट्रेटजी बनाना कि आप बनाना क्या चाहते हैं। आफ्टर दिस द इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू पब्लिश योर कंटेंट। अगर अपना कंटेंट पब्लिश नहीं कर रहे इसे बना रहे हैं तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने कंटेंट को बनाएं, उसकी स्ट्रेटजी क्रिएट करें, उसे फिर प्लान करें किस दिन आपने उसे पब्लिश करना है और आफ्टर दैट पब्लिश योर कंटेंट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट एंड फॉर मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज लिसनिंग, लिसनिंग एंड एंगेजिंग विद योर कस्टमर्स। अब आपका कस्टमर जो आपसे बात करना चाह रहा है, जो पैगाम आप तक पहुँचाना चाह रहा है, अगर आप उसको समझ नहीं रहे हैं, उसके साथ इंगेज नहीं कर रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को कैटर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका कस्टमर ज़्यादा नहीं रहेगा। ही विल गो टू अनदर ब्रांड, ही विल गो टू अनदर क्लाइंट, अनदर सिस्टम टू गेट द प्रॉब्लम सॉल्व। सो बिफोर योर कस्टमर गोज अराउंड एंड कम्स टू अ बेटर ब्रांड देन योर्स, आपने मेक श्योर करना कि आप उनकी कस्टमर की प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं, उनके इश्यूज़ का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हल नहीं निकाल सकते हैं, एटलीस्ट मेक श्योर दैट यू आर टेलिंग दैम दैट यू आर लिसनिंग टू दैम, एंगेज विद दैम, टेल दैम दैट यू आर सॉरी फॉर योर मिस्टेक, टेल दैम दैट यू वॉन्ट टू मेक श्योर दैट दे हैव द बेस्ट कस्टमर सर्विस, टेल दैम दैट वट यू आर गोइंग टू गिव दैम विल बी अ बेटर ऑप्शन दैन दे हैड ऑलरेडी। नाउ आफ्टर दिस कम्स द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ एनालाइजिंग योर सोशल मीडिया। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके सोशल मीडिया पे हो क्या रहा है, आपके सोशल मीडिया पे क्या चीज़ें काम कर रही हैं, क्या चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, क्या चीज़ इंगेजमेंट ला रही हैं, क्या चीज़ इंगेजमेंट नहीं ला रही है, क्या चीज़ लाइक शेयर्स फॉलोस ला रहे हैं, क्या चीज़ डिसलाइक्स या बैड कमेंट्स या ऐसी चीज़ें लेके आ रही हैं। यू नीड टू मेक श्योर कि आप ऐसी चीज़ें प्रमोट कर रहे हो जो कि लोगों को पसंद आ रही हों, लोग से अच्छा प्रमोट कर रहे हो, लोग उसे ऑटोमेटिकली शेयर कर रहे हो। नाउ दीज आर गुड इंडिकेटर्स दैट टेल यू वेदर योर ब्रांड इज़ गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन और रॉन्ग वन। टू डू दिस यू कैन यूज डिफरेंट टूल्स टू एनालाइज योर प्रोडक्ट, योर सर्विसेज एंड द सोशल मीडिया कंटेंट दैट यू आर क्रिएटिंग फॉर योर कस्टमर्स, वेदर इट्स हेल्पफुल और नॉट। ओके, नाउ यू हैव डन ऑल ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, नाउ कम्स द मेन पार्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। सोशल मीडिया के अंदर एडवर्टाइजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
फेसबुक की लेटेस्ट एल्गोरिथम के लिहाज से आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ मेरे लिहाज में तब तक नहीं मिलती जब तक आप एडवर्टाइज नहीं करते अपने ब्रांड को। यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपने एड्स को इस तरह बनाएं कि आपकी ऑडियंस तक आपका पैगाम पहुंचे और एक इन अ गुड वे पहुंचे, आपके कंटेंट को इस तरह प्रमोट करें कि जिससे लोग उससे इरीटेट ना हो बल्कि उसे लाइक करें और उसे ज़्यादा शेयर करने का दिल करें उनका। आप अपनी टारगेट ऑडियंस को क्रिएट करें, डेमोग्राफ्स उनके क्रिएट करें कि उनकी एज क्या होगी, उनके इंटरेस्ट क्या होंगे, उनके बिहेवियर क्या होंगे, और उनसे फिर अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें ताकि वो आपके प्रोडक्ट को लाइक करें, शेयर करें और दूसरे लोगों को भी एम्बेसडर बन के बताएँ कि आई हैव बिन यूजिंग दिस प्रोडक्ट, आई हैव बिन यूजिंग दिस सर्विस एंड आई रियली लाइक देम एंड आई वॉन्ट टू कंटिन्यू विद देम, यू शुड ऑल्सो ट्राई देम। यू नीड टू मेक दिस कन्वर्सेशन हैपन एंड इन ऑर्डर टू मेक दिस कन्वर्सेशन हैपन यू नीड टू रीच टू योर कस्टमर एंड इन to reach to your customer you need to advertise your products. Now that we have gone over the strategy, let's talk a bit about social media marketing plan. Social media marketing ka plan kaise create kiya jata hai, now let's think about it a bit. First you need to understand ki aapne kaun se social network pe jana hai. Step number one is choosing your social networks. There are hundreds of social media platforms available online, but the thing is you need to go to those platforms where your audience lies. आपकी ऑडियंस जहाँ पे है आपने वहाँ पे जाना है और वहाँ पे जाके अपने ब्रांड को प्रमोट करना है, अदरवाइज ऑल ऑफ दिस एफर्ट वॉन्ट बी हेल्पफुल। नाउ वी डोंट अंडरस्टैंड देर आर सर्टन प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे हर किस्म की ऑडियंस मौजूद है, वेदर इट्स फेसबुक और इंस्टाग्राम, वेदर इट्स यूट्यूब और सम अदर मेजर प्लेटफॉर्म, बट द थिंग इज़ कि अगर आप ज़्यादा केटर करेंगे ना अपनी ऑडियंस को और उस तक अपना पैगाम पहुँचाने में कामयाब हो जाते हैं, इन द लॉन्ग टर्म आपकी ब्रांड एक अच्छा क्रिएट हो जाता है और आपको ओवरऑल ज़्यादा फ़ायदा होता है एक्विजिशन में भी एंड ऑल ओवर प्रोसेस। ओके नाउ लेट्स गो ओवर द सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लान। कुछ 6 स्टेप्स हैं जो कि आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लान को इंगेज और एट फाइनल स्टेज तक पहुँचाने में हेल्प करते हैं। नाउ लेट्स गो ओवर दीज स्टेप्स वन बाई वन। स्टेप नंबर वन इज चूजिंग योर सोशल नेटवर्क्स। आपका जहाँ पे ऑडियंस है आपने वहाँ पे जाके अपने प्रोडक्ट प्रमोट करना है, आपने प्रोडक्ट की प्रमोशन, कंटेंट क्रिएशन, इंगेजमेंट रेशियो सब चीज़ उस जगह के लिए ऐसे क्रिएट करनी है। अगर अपनी ऑडियंस तक अपना पैगाम पहुँचा रही हैं उसी सोशल नेटवर्क के ऊपर जहाँ पे मौजूद है ज़्यादा फ़ायदा होगा। आई डू अंडरस्टैंड कि कुछ सोशल मीडिया चैनल इतने बने हैं कि वहाँ पे हर किस्म की ऑडियंस मौजूद है जैसा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह, बट अगर आपका कोई इस तरह सोशल मीडिया मार्केटिंग चैनल है जहाँ पे आपकी सर्टेन ऑडियंस जहाँ पे आपने प्रोडक्ट बेचना है वो ज़्यादा मौजूद है तो उस सोशल मीडिया चैनल को प्रेफर कर देंगे हम दूसरे चैनल्स के ऊपर। स्टेप नंबर टू इज़ कि अपनी प्रोफाइल को कम्प्लीटली फिल करती हैं। दिस इज़ अ गुड इंडिकेटर टू सोशल मीडिया चैनल्स एल्गोरिदम। इट टेल्स कि ये ब्रांड लॉन्ग सस्टेनिंग है, इसने काम करना है, दिस ब्रांड विल स्टे विद यू फॉर अ लॉन्ग व्हाइल। स्टेप नंबर थ्री इज़ फाइंडिंग योर वॉइस एंड टोन। All brands have their own voice and their own tone and they make sure कि उसको follow करते हैं, उसी के साथ चलते हैं और अपनी पूरी story उसी के ऊपर tell करते हैं और इसी चीज़ को maintain करते हुए आपने आगे चलना होता है। Step number four is picking your posting strategy. We need to understand कि तमाम जगहों पर जब आपके पास engagement होती है वो सेम वैल्यू नहीं रखती है। There is quite a possibility कि जो engagement आपको 12 बजे मिल रही है वो रात 6 बजे ना मिले और जो रात 6 बजे मिल रही है वो रात 8 बजे ना मिले। प्राइम टाइम पे अगर आप एंगेजमेंट गेदर कर रहे हैं तो इट इज़ मोर हेल्पफुल फॉर सोशल मीडिया चैनल एंड इट टेल्स देम दैट यू आर द प्राइम प्रोडक्ट सेलर, यू आर द प्राइम कंटेंट क्रिएटर एंड इट इंटेल्स दैट योर प्रोडक्ट इज़ गोइंग टू बी ऑर्गेनिकली प्रमोटेड ऑल ओवर द सोशल मीडिया। नाउ दैट वी हैव डन विद स्टेप फोर, द नेक्स्ट स्टेप इज एनालाइजिंग टेस्टिंग। दे विल कम अ टाइम जब अगर कंटेंट क्रिएट करने का इशू नहीं होगा बट यू डोंट नो कि विच कंटेंट विल वर्क फॉर यू, सो द थिंग इज़ यू विल टेस्ट इट आउट। आप अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा कंटेंट देंगे एंड सी विच वन इज़ वर्किंग बेस्ट, ए भी टेस्टिंग करके आपको आइडिया होगा कि वेदर ए इज़ वर्किंग और बी इज़ वर्किंग और जोर से कंटेंट काम कर रहा होगा फिर उसी कंटेंट को आप आगे मजीद क्रिएट करेंगे वेदर इट्स ए और बी इन द ए बी टेस्टिंग प्रोसेस। नाउ द लास्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 6, ऑटोमेटिंग एंड एंगेजिंग। नाउ दैट यू हैव क्रिएटेड कंटेंट, यू आर मेकिंग श्योर कि आपकी ऑडियंस पर काम पहुँचे, नाउ आफ्टर वाइल इट विल बिकम अ हसल। सो वट यू कैन डू इज़ यू कैन ऑटोमेट इट। आप अपने चैट बोट को ऑटोमेट कर सकते हैं, आप इंगेजमेंट को ऑटोमेट कर सकते हैं, आप अपनी पोस्टिंग को भी ऑटोमेट कर सकते हैं, एवरी थिंग विल डू ऑन इट्स ओन। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग थ्रू विद इट एंड मेकिंग श्योर दैट एवरी वन इन दैट इज वर्किंग ऑन योर ब्रांड इज हैविंग अ गुड टाइम विद इट एज वेल। मूविंग फॉरवर्ड द नेक्स्ट स्टेप इज सोशल मीडिया एंगेजमेंट।
नाउ दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि मुझे या इतने फॉलोअर्स ले दो, मुझे इतने व्यूज़ दे दो, बट आई ऑलवेज रिफ्यूज देम बिकॉज इन द लॉन्ग टर्म दिस विल बी वेरी हार्मफुल फॉर देयर चैनल्स एंड देयर ब्रांड एज अ होल। द थिंग इज़ कि जब आपके पास ऑडियंस आ जाती है, वेदर इट्स ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक, एंड दे आर नॉट इंगेजिंग विद योर कंटेंट, इट्स अ वेरी बैड इंडिकेटर फॉर ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। वट इट इंटेल्स इज कि सोशल मीडिया चैनल्स को लगता है कि ये बंदा कंटेंट क्रिएट कर रहा है, ये ब्रांड कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है, मगर इस पर कोई इंगेजमेंट नहीं आ रही है। अब इसका इशू ये बनता है कि जब आपके पास इतने ज़्यादा फॉलोअर्स मौजूद हों मगर कोई आपके साथ इंगेज ना कर रहा हो, तो ये अच्छा नहीं हो सकता। ये सोशल मीडिया को प्लेटफॉर्म्स को ये बात समझ में आती है, आपको भी समझ में आती है। सो यू नीड टू मेक श्योर योर ब्रांड इज़ इंगेजिंग, योर कस्टमर इज़ इंगेजिंग विद यू, एंड टू डू दिस यू नीड टू मेक श्योर यू आर गेटिंग लॉट्स ऑफ लाइक्स, फेवर्स, कमेंट्स, DM, रिप्लाइज, शेयर्स, रीट्वीट्स, सेव्स, क्लिक्स, मेंशंस। व्हाटएवर योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग, यू नीड टू मेक श्योर पीपल आर लाइकिंग यू ऑन इट, पीपल आर टॉकिंग अबाउट योर ब्रांड, योर प्रोडक्ट, योर सर्विसेज, पीपल आर टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, दे आर टॉकिंग अबाउट यू, दे आर मैंशनिंग यू, दे आर पोस्टिंग अबाउट यू, दे आर शेयरिंग योर ट्वीट्स, दे आर रीट्वीटिंग यू और अदर थिंग्स दैट इट एंटेल्स। यू नीड टू मेक श्योर पीपल आर एंगेजिंग विद यू एज अ होल। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट कि सोशल मीडिया चैनल्स जो हैं लोगों का पर्सनल फेवरेट है फॉर कस्टमर। वी लर्न दैट लोगों की पसंदीदा चॉइस कस्टमर के लिए सोशल मीडिया चैनल्स बन चुके हैं इन द पास्ट ईयर्स, बिकॉज इट्स वेरी इंस्टेंट, लोगों को फ़ोन रिप्लाई आ जाता है, इट्स वेरी फ्रेंडली एंड पीपल आर ऑलरेडी यूज टू इट, तो पीपल रियली लाइक दिस एंड पीपल प्रीफर दिस टू अदर चैनल्स। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्टोर और डायलिंग योर नंबर, ई मेलिंग यू, दे विल गो टू योर सोशल मीडिया चैनल एंड दे विल टॉक टू यू अबाउट योर देयर प्रॉब्लम्स, वट दे आर फेसिंग राइट नाउ एंड हाउ यू कैन हेल्प दैम सॉल्व दैम। सो दिस इज़ वाई वी नीड टू मेक श्योर कि आप अपने कस्टमर को कैटर कर रहे हैं, उनकी बातों को समझ रहे हैं, उनके मसलों का हल कर रहे हैं। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, योर ब्रांड, योर सर्विस, योर प्रोडक्ट, और दिस विल ऑल्सो हेल्प मेक श्योर कि कस्टमर ब्रिंग्स मोर कस्टमर्स टू यू, इट ट्रस्ट योर ब्रांड एंड इन द एंड यू हैव अ लॉन्ग हेल्दी रिलेशनशिप विद योर ब्रांड। हाँ, तो क्वेश्चन कम्स कि हाउ यू कैन बूस्ट योर सोशल मीडिया एंगेजमेंट, हाउ यू कैन मेक मोर पीपल लाइक यू, मोर पीपल फॉलो यू, मोर पीपल शेयर योर मैसेजेस, योर ट्वीट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। द थ्री टिप्स दैट आई एम गोइंग टू गिव यू आर, स्टेप नंबर वन, एक्चुअली बी सोशल। नाउ दिस इज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द सोशल कंस्ट्रेंट्स दैट इन्वॉल्व। लोग यहाँ पे इंजॉय करने के लिए आते हैं, तो मेक श्योर दैट यू आर गिविंग दैम एंटरटेनमेंट, यू आर गिविंग दैम द कंटेंट और मैसेजेस और लाइक्स दैट दे आर गोइंग टू लाइक। मेक श्योर दैट जो आप उन्हें मैसेज कर रहे हो या जो उन्हें रीच आउट कर रहे हो, दे आर हैविंग सम वैल्यू फॉर दैम। टिप नंबर टू, हैव अ कंसिस्टेंट ऑथेंटिक वॉइस। मेक श्योर कि आपकी ब्रांड टोन, ब्रांड वॉइस सेम ही जा रही हो, आप लोगों तक अपना पैगाम सही डिटेल में दे रहे हो और कोई भी बात आउट ऑफ वॉइस ना कर रहे हो। स्टेप नंबर थ्री, नो योर एल्गोरिथम्स, अपने आप को अपडेट रहें, एल्गोरिथम्स को समझ के काम करें एंड मेक श्योर कि आप कोई भी चीज़ ऐसे ना कर रहे हो जो रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसी के खिलाफ हों और इन द लॉन्ग टर्म एल्गोरिथम को तंग कर रही हो। तो मेक श्योर यू गिव अ होलिस्टिक एक्सपीरियंस टू योर कस्टमर्स एंड आई एम श्योर योर कस्टमर्स विल लाइक इट वेरी मच। नाउ द बोनस टिप, लाइक आई सेड बिफोर, योर सोशल मीडिया ब्रांड वॉइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज अ स्लाइड दैट इज मेड पर्पसली फॉर दैट वन। अपने करेक्टर पर्सोना को समझें विद एदर यू आर वार्म, फ्रेंडली, इंस्पायरिंग या यू हैव अ वेरी अथॉरिटिव पर्सोना। अपने टोन को समझें, अपने पर्सनल होकर बात करनी है, ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट बात करनी है, साइंटिफिक टोन में बात करनी है, हम्बल क्लिनिकल होकर बात करनी है। अपनी लैंग्वेज को समझें, क्या आपका ब्रांड जो है सिंपल लैंग्वेज में बात करेगा या कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में बात करेगा, क्या आप जार्गन जो आपकी कस्टमर्स को समझ में आती है उस जार्गन में बात करेंगे या आप इनसाइडर ट्रेडिंग के लिहाज से बात करेंगे, क्या आपकी बात करने में मजाक की गुफ्तगू होगी या विम्जिकल टोन रखेगा या फिर उस सीरियस मैटर में बात करेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड द ब्रांड। यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका पर्पस क्या होगा, क्या आप इंगेजमेंट लेना चाह रहे हैं, क्या आप अपने कस्टमर को एंटरटेनमेंट देना चाह रहे हैं, क्या आप उन्हें पढ़ाना चाह रहे हैं या आप उन्हें कोई चीज़ बेचना चाह रहे हैं। यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपने पर्पस को भी उसके अंदर लेके जाएं। मेक श्योर यू यूज़ दिस बोनस टिप इन योर सोशल मीडिया चैनल प्लेटफॉर्म
Now with this, I will conclude my lecture. It was very nice having you again. See you again for our next lecture. Have a great day. Allah Hafiz. Signing off, Mohammad Mohsin from Sufijal Marketing.